दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप के अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं मदन अपने YouTube चैनल एटी ब्लॉग में करता हूं स्वागत। गाइस आज का एक टॉपिक है आप लोग के लिए। टॉपिक ये है कि हम लोग ओला उबर चलाते हैं या कोई नया भाई आना चाहता है, उसको क्या परेशानी आने वाली है जो ओला की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज जो किया है। आप लोगों ने भली बात, जो भी ड्राइवर भाई है सबके मोबाइल पर आ चुका होगा और हमारे मोबाइल पे भी आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग को बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि क्या दिक्कतें आई है। ओला ने अपडेट दिया है, जब ओला ने किया होगा तो उबर भी करेगा। वीडियो में देरी नहीं करते, वीडियो काट लेते हैं स्टार्ट, बताएंगे सारा इसी ब्लॉग में। प्लीज ब्लॉग आप लास्ट तक देखना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्त। नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। आया एक मैसेज कि ओला ने किया पॉलिसी चेंज, क्या कि अब आपको टोल नहीं दिया जाएगा। सपोर्टेड कि हरियाणा जाने वाला टोल अब आपको नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली नंबर गाड़ी था तो हरियाणा जाता था तो एक दिन का 100 रुपये मिलता था, वो अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में कहाँ दिया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। जो नोएडा जाने वाली गाड़ी थी अब उसको भी नहीं देगा टोल, समझे? वो क्यों नहीं देगा उसका भी रीजन बताऊंगा। अब हरियाणा और गुड़गांव दिल्ली नोएडा, मतलब नोएडा से जो वापस दिल्ली की तरफ आने वाली गाड़ी है अब उसमें भी वो टोल नहीं देंगे। तो प्लीज आप लोग दिल थाम के बैठना। इसके ऊपर आज मैंने बारीकी से सारी वीडियो बता रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज समझ लो, फिर आप देख लेना उचित ट्राई करके सही है या गलत है। क्योंकि मेरे दोस्त कई बंदे के साथ हुआ है, मेरा एक दोस्त चलाता है 180 07 21, उस पे नहीं टैक्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो भी बताया गया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप एग्जांपल फॉर दिल्ली नंबर मेरा गाड़ी है, ठीक है, दिल्ली से मैं लेके हरियाणा जा रहा हूँ। तो पहले क्या था, दिल्ली दे मतलब जब भी लेके जाता था हम, एक दिन का टैक्स हमें मिलता था 100 रुपये का, वो टैक्स उन्होंने कर दिया बंद, ठीक है। अब वो टैक्स देंगे महीने में 1250 रुपये, जब आप 30 ट्रिप कर देंगे तो ऐसा कुछ, ठीक है, वो कर दिया। अब हरियाणा नंबर अगर सोचेगा दिल्ली से मैं बार बार हरियाणा जाऊं, उसमें टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हरियाणा दिल्ली नंबर गाड़ी अगर नोएडा जाता है तो वो महीने में अगर 30 ट्रिप करता था 1440 रुपये का आपको दिया जाएगा, मतलब एक महीने में 1440 ही दिया जाएगा। इस पर अभी कंफर्म नहीं है कि आप महीने में एक बार दिया जाएगा या आपको पर ट्रिप पे के हिसाब से जोड़ के 30 ट्रिप के हिसाब से दिया जाएगा। पहले क्या था कि पर ट्रिप नोएडा जाता था 120 रुपये आप लोग को दिया जाता था, है ना, ये आप लोग को पता होगा इसी तरीके से। अब क्या करते हैं इन लोगों ने कि आपको 1440 रुपये ही महीने के दिया जाए, चाहे तुम एक ट्रिप जाओ, दो ट्रिप जाओ, 10 ट्रिप जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर अब आपको कस्टमर को ये लोग चार्ज नहीं करेंगे टोल टैक्स, चाहे वो नए ड्राइवर हो या पुराने ड्राइवर हो। अब ये लोग क्या फॉर्मूला तय करते हो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कितना सेटिस्फाई है ड्राइवर वो तो आने वाला लोगों का फीडबैक ही पता लगेगा। उस पर भी मैं आप लोग को बिस्तर में वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहना एंड तक। अब करते हैं कि भाई दिल्ली की गाड़ी की क्लियर हो गए, दिल्ली गाड़ी हरियाणा जाता तो क्या मिलेगा, नोएडा जाता तो क्या मिलेगा। दिल्ली की गाड़ी, मेरा कहना है कि दिल्ली की गाड़ी का क्लियर हो गया। 90% लोग दिल्ली में कम चलाते गाड़ी, हरियाणा या यूपी की गाड़ी लेके चलाते ज्यादा, HR 55 या UP 16। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा उद्देश्य ये है कि अब हरियाणा नंबर आएगा दिल्ली में तो उसको टोल देना पड़ेगा, बॉर्डर टोल देना पड़ेगा। तो उसके लिए ओला ने जारी किया है कि भाई सभी गाड़ी के लिए, जितना भी यूपी हरियाणा दिल्ली नंबर है सबके लिए उन्होंने जारी किया है कि आपको पास लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर जो टोल नाका है ना अपना अपना MCT का, वहां पे जाके पास लेना पड़ेगा। पास लेने के बाद आप जितनी बार आओ जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 3000 रुपये क्या कंपनी देगी, क्या करेगा वो तो कंपनी बताएगा। इसके लिए विषय में बात करना पड़ेगा कंपनी से, क्योंकि देखो मैं ओला चला नहीं रहा हूँ अभी, तो ये अपडेट ओला के बारे में आया है सर, समझ रहे ना गाइस। अब हरियाणा नंबर के यही लोचा है, यूपी नंबर का भी यही सेम लोचा है। अब यूपी वाला गाड़ी दिल्ली में आता तो भी उसको टोल जेब से भरना पड़ेगा अगर कंपनी नहीं देता तो, क्योंकि कंपनी ने साफ साफ लिख दिया है, उसको आप लोग पढ़िए गाइडलाइंस को, समझिए क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है। अब उसके बाद आता है कि क्या हरियाणा के नंबर यूपी में जाता टोल मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, सेम चीज वही है, कंडीशन वहां भी लगा हुआ है। अगर जो दिल्ली से
जैसे दिल्ली की, मतलब हरियाणा की गाड़ी दिल्ली, दिल्ली वाया गुड़गांव सॉरी नोएडा, नोएडा जाएगी तो जाके उस स्टेशन में आपको महीने के हिसाब से पैसे दिया जाता है, जो उन्होंने बताया 1440 रुपये का आपको वो काटना पड़ेगा रसीद, जो टैक्स होता है हर साल, हर महीने का टैक्स होता है स्टेट टैक्स, वो चीज़ आपको देना है। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप लोग क्लियर समझ गए। अब आते हैं बात कि भाई कौन कौन सी गाड़ी का टैक्स मिलने वाला है। उन्होंने एक लाइन और मेंशन की, आप जाके चेक कीजिएगा, वो लाइन मेंशन ये किया है कि आपका दिल्ली एनसीआर, ओनली दिल्ली एनसीआर की गाड़ी का टोल टैक्स ही दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरे स्टेट की, दूसरे अदर साइड की गाड़ी का टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा यूपी, यूपी का उत्तर प्रदेश की जो गाड़ी है, जैसे कि एनसीआर में जितने कनेक्टिविटी है, जितने भी कनेक्टिविटी है उतना तक की गाड़ी एनसीआर की तो गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो उसका टोल दिया जाएगा। जो अदर स्टेट जगह की गाड़ी जैसे कि यूपी 80, यूपी 75, यूपी पता नहीं कहाँ कहाँ की है, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, आगरा, मथुरा की गाड़ी दिल्ली में आकर लोग चलाते हैं, उसका बिल्कुल टोल नहीं मिलने वाला, ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब आते हैं लोचा 180 गाड़ी को भी टोल नहीं देंगे लोग, समझ रहे हो, 180 गाड़ी को भी टोल नहीं देंगे क्योंकि वो एनसीआर परमिट है ऑलरेडी, उसको कोई टोल नहीं देते, उन्हें भी पता कि टोल कटवाते नहीं हम देंगे। तो दोस्तों आप लोग कितने स्टेटस पाई है नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दबा के कमेंट कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे हम लोग ओला ओवर के खिलाफ मुद्दा बना सके। और दूसरी चीज कि एक चीज ये भी है, जब ओला ने लेकर आया ये पॉलिसी तो उबर भी ले आएगा, जाहिर सी बात है उबर भी तो पीछे रहेगा, क्योंकि सारा कर तो उतना भाई यही चीज है, इन ड्राइव का है।